अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एना अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। एना ने भी सेम मेरे जैसे रख ली। ओए स्मार्ट बेबी है, स्मार्ट बेबी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम, शी इज क्यूट लिटिल डॉली प्रिंसेस एना एंड वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। और मैं आई हूँ यहाँ पे भिंडियाँ तोड़ने के लिए। कल शाम को मैं चेक करके गई थी तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज जो है वो भिंडियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो तोड़ने वाली हो चुकी हैं। मैं ज़रा अपने ग्लासेस लगा लूँ क्योंकि एक भी भिंडी हमने छोड़नी नहीं है। तो भिंडियाँ तोड़ते हैं। बस अब ना ये आखिरी दिन है भिंडियों के, क्यूकम्बर के, और जो कद्दू हैं इस दफ़ा ना उस हिसाब से नहीं निकले जितना कि हमारे पिछली दफ़ा निकले थे। लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह खीरों ने हमें काफ़ी ज़्यादा खीरे दिए हैं। एना ने भी हेल्प करनी मम्मा की। चलो जी आगे जाओ आगे जाओ। अब हम भिंडी तोड़ेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी भिंडी है। तो ट्रे जो है मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, पहले भिंडी हाथों में पकड़ लेती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत भिंडी है। इस साइड पे अब नहीं है, यहाँ पे ये देखें इतनी इतनी है। तो इनको मैं ना अभी छोड़ दूंगी, कल तोड़ेंगे है ना। मामा 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 ये भिंडी है। नहीं नहीं आप ही ले सकती ना, आप ही ले सकती। आगे चलो बनी आ गया। वो उपसी एना ने ग्लासेस गिरा दी। अब मामा को बहुत ज़्यादा ध्यान से पहले भिंडियाँ तोड़नी है। कोई बात नहीं होती, ये लो ठीक है। ये है ना डेंजरस डेंजरस, हाँ जी डेंजरस। और बूबू, कोई बूबू नहीं हुई। ये देखे अभी मैंने चार जो है वो तोड़ ली हैं। इधर ये पांचवी, तो हम साथ गिन भी लेते हैं। और ये हैं छः, साथ मैं रख दूँ उधर। 6 हो गई थी। ये 7 7 7। ये देखें माशाल्लाह 8 9। अब इधर आए देखें, एक जो भिंडी है ना ये लगता है शुरू में हमसे मिस हो गई थी। ये चेक करें ज़रा, ये भिंडियों की जो सरदार नहीं है बल्कि ये देखें, ये नज़र आ रही है। देखें कितनी बड़ी भिंडी है। ये 9 हो गई थी, 9 हो गई थी। ये रही 10, ये रही 11, ये रही 12, यह 13 14 है ना 14। भिंडियाँ जो है ना वो हर साल हमारे बहुत और दिल लगा के लगती हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 है ना 21। अब ना मैं एक दफ़ा ही गिन लेती हूँ, एक दफ़ा ही तोड़ के फिर से गिनती हूँ क्योंकि मैं काउंटिंग भूल गई। अच्छा, क्योंकि मेरा ध्यान ना ये है कि कोई मैं मिस ना कर दूँ। कोई रह नहीं गई, अच्छे से मैंने तोड़ ली है। ये अभी मुझे लगा था मैं अच्छे से तोड़ के लेके जा रही हूँ। ये देखें यहाँ पे एक ये लगी हुई है और इधर भी मुझे मिल गई है। देखा ये ऐसे छुप जाती है, पता ही नहीं चलता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। माशाल्लाह से 38 भिंडियाँ जो है वो मैंने तोड़ी हैं अपने प्यारे से गार्डन से। और एना का बहुत जिक्र है कि खेलें इनके साथ। क्या करना है, क्या करना है, खेलना। ये लो मैं यहाँ पे आई थी कुछ सूखी रोटियाँ थी वो डालने के लिए। और यहाँ पे ये देखें एक बनी जो है इधर शेड के नीचे रहता है और मैं इतना करीब इसके खड़ी हूँ तो ये डर भी नहीं रहा है। हाँ जी क्या हुआ? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है ना, को सारा बताइए। अम्ब्रेला है, ओपन कर दूँ? ओपन। शाबाश एना, आपने मज़ेदार से स्नैक्स खा रही है। यहाँ पे ये जो एना का सैंड बॉक्स है ना, इसको हम बंद ही रखते हैं, वरना इसके अंदर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो चले जाते हैं। सैंड होती है ना, इसलिए इसको कवर करके रखते हैं। जब एना ने खेलना होता है तब हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे इसका ये जो वाटर टेबल है, इसको भी कवर करके रखते हैं। अब ये देखिए, हल्की बारिश हो रही थी ना, तो ये कवर ही गंदा होगा, अंदर पानी गंदा नहीं होगा। फिर 2 से 3 दिन के बाद पानी जो है वो हम चेंज भी कर लेते हैं। ये देखें, अब दोबारा चेंज करने वाला भी हो गया हुआ है। इसको ना शाम को मैं चेंज करूँगी। अब ऐना जो है वो ज़्यादा नहीं खेलती इसके अंदर, क्योंकि सर्दी भी होती है, शाम में मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा पानी में नहीं खेलती। जब सर्दी आएंगी ना, फिर हम इसको बंद करके वापस रख लेंगे। ऐना ने खा लिया, शाबाश। लो मामा को दे दो, शाबाश, थैंक यू मामा। और ये रही माहम। मैंने कहा मैं अपने आप को भी दिखा दूँ कि मैं भी इधर ही हूँ। और यहाँ पे ये देखें ज़रा, यहाँ पे क्या हुआ है कि इसके अंदर जो छोटे छोटे फूल थे ना, वो यहाँ नीचे गिर गए और ये इधर बड़े ही हो गए। यहाँ पे ये देखिए, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, और ये वाइट वाला भी लगा हुआ था जो कि ऐना ने तोड़ दिया है। ऐना भिंडी है नहीं है? ऐना यहाँ पे जो है वो भिंडी चेक करिए कि लगी हुई है। तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। हाँ भिंडी, शाबाश, शाम को तोड़ेंगे, ठीक है ना? अभी और चेक करो, आओ आगे चलते हैं। ऐना जो है यहाँ पे चेक करिए, एक कद्दू जो है इतना हो चुका है माशाल्लाह। अब ये थोड़ा सा और बड़ा होगा ना तो इसको तोड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। जो इस तरह के छोटे छोटे होते हैं ना, वो ज़्यादा फिर मज़ेदार बनते हैं। अभी और भी लगे होंगे यहाँ पे, इस साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं लगे। अंदर से जो ख़त्म हो चुकी हुई है बेल, ये बाहर पे अभी लगना स्टार्ट हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, यहाँ से मैंने कुछ दिन पहले तोड़ा था, तो यहाँ पे भी ये वाला इतना बड़ा हो चुका है। आजो 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 मम्मा मम्मा मम्मा, कहाँ से आवाज़ आ रही थी? वहाँ से आ रही थी। ऐसा ऐना को डर लग रहा था। हाँ, ऐसा ऐना को डर लग रहा था। ऐना जो है वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। अब इसको नींद भी आ रही है, इसको मैं लेके जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ, इसको फिर मैं सुलाती हूँ। ये क्या कर रही थी? अपने आप को देख रही है। ऐना थक गई है, सोना है अब जाके। चलो जी, बाय बाय कर दो, फिर हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम बाद में मिलते हैं। ऐसे बोलो, बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। जब ऐना ने इंशाल्लाह सही तरह बोलना स्टार्ट करना है ना, फिर आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आया करेगा, है ना? फिर ये है ना। मैं और मेरे हस्बैंड हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि गाड़ी जो है ना वो मैं चला के जाऊँगी, बाहर भी मैं ही निकालूंगी। जब शुरू में मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी ना, तो मुझे बाहर निकालनी नहीं आती थी बहुत, यानी कि मुझे डर लगता था कि पता नहीं कैसे निकालूंगी, कहीं गाड़ी लग ना जाए। लेकिन अब मैं निकाल लेती हूँ। मामा की तरफ तो मैं गाड़ी चला लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे गैराज का कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं लग ना जाए। तो कार की जो की है वो हस्बैंड के पास है, इसको मैं गाड़ी में रखती हूँ। शुक्र है मौसम भी अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ ही जाता है। अब देखिए, मुझे निकालने भी आती है, मैं अंदर भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, बहुत आराम से मैं निकालती हूँ। तो चलें। लोग कम बाहर निकलते हैं, लेकिन कभी कभी निकलते हैं। और यहाँ पे ये है स्टॉप साइन, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हमने रुकना ही रुकना है, रुकना है। और ये है पुलिस की कार, दोनों साइड्स पे देखना है, और फिर हमने अपनी कार का जो है वो टर्न ले लेना है। तो जी अभी हम लोग पहुंचे हैं वॉलमार्ट। ये मेरे पीछे वो ये क्या आ गया, वॉलमार्ट पहुंचे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है और वॉलमार्ट है, और सामने ही मेरा एक फेवरेट स्टोर है डॉलर ट्री। हो सकता है वॉलमार्ट से फ्री होके मैं थोड़ी देर के लिए डॉलर ट्री भी जाऊँ अगर मुझे टाइम मिला तो। मेरे हस्बैंड ना जो चीज़ लेनी है वो इधर वॉलमार्ट से आराम से मिल जाएगी। उन्होंने कोई टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है, अगर कोई प्रॉपर चीज़ लेनी होती है ना टैक्स से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक और है बेस्ट बाय, हम वहाँ से लेते होते हैं। लेकिन अभी इन्होंने कोई पार्ट लेना है, कोई लैपटॉप से रिलेटेड कोई चीज़ है वो इन्होंने देखनी है कि कैसी मिलती है यहाँ पे, तभी बस वो चेक करेंगे जाके, अगर मिल गए तो ये वो ले लेंगे और मैं वैसे देखूँगी इधर उधर कोई ऐसी अपनी कोई चीज़ देख लूँगी। अब ना मैं ग्लासेस भी लगा लूँ। मेरी जो आईसाइट है ना वो दूर की मेरी वीक है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है। यहाँ से लेंगे पहले कार्ट, सारी कार्ट जो हैं वो ऐसे रखी हुई हैं। ये तो सही तरह चल भी नहीं रही है, दूसरी वाली लेती हूँ। एक तो ना इनका ये भी बड़ा मसला रहता है, सही तरह चलती नहीं है, ये लेती हूँ। चले जी, रश आप देखें कितना ज़्यादा है, रूटीन से ज़्यादा रश लग रहा है। तो हस्बैंड जो है वो मेरे जा चुके हैं दूसरे वाले आयल में और मैं जा रही हूँ ऐसे कुछ देखने के लिए। ये देखें अभी सर्दियाँ आई नहीं है तो इन्होंने सर्दियों का भी सामान रखना शुरू कर दिया है। मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि इतना रश है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ये भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मोटा है, कलर भी प्यारा लग रहा है। और देखती हूँ मैं ज़्यादा ना डार्क कलर्स लेती हूँ, ये भी कलर खूबसूरत है, वैसे अच्छा है। देखती हूँ इसकी यहाँ पे प्राइस लगी हुई है 16 का है। ये देखें, मैं ये बात कर रही थी कि ये प्यारा सा कलर है। पीछे से ना मुझे एक ये वाला कलर भी नज़र आ गया है। अभी सोचती हूँ, अभी रख लेती हूँ, जाते जाते ना प्लान करती हूँ लूँगी कि नहीं, क्योंकि कलर भी अच्छा है, खूबसूरत सा है। पहले मैंने वो वाला लेना था ग्रीन सा, फिर मैंने कहा चलो ये वाला ले लेती हूँ। यहाँ से अब हम करने लगे हैं सेल्फ चेकआउट। यहाँ पे कैश वाला कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सारा कार्ड डालता है, तो हम जस्ट कार्ड डालेंगे, कार्ड से पेमेंट करेंगे, इसकी सामान वगैरह रखते हैं। ये बहुत ध्यान से और सोच समझ के चीज़ें लेनी चाहिए, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी ही। तो कुछ जो पॉपसिकल और आइसक्रीम ली है इसको मैं कूलर के अंदर डाल देती हूँ क्योंकि ताकि मेल्ट ना हो। बाकी चीज़ें जो स्नैक्स वगैरह हैं और शुक्र है कि जो मेरे हस्बैंड को चाहिए था उनको भी वो आराम से मिल गया है। कार्ट में वापस रख के आती हूँ और कार्ट को हम ऐसे नहीं रख सकते। ये देखिए यहाँ पे ऐसे जगह बनाई हुई है तो यहाँ पे रखना पड़ता है। इस साइड पे तो ये ऑलरेडी फुल हुई है, उस साइड से रखती हूँ, रखने की जगह बनाई होती है। आगे कर देती हूँ, जाओ भाई, फिर मिलेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये अपने घर की घास जो है वो खुद काटते हैं और हम लोग माशाल्लाह से घर पहुँच चुके हैं। चलो जी, ऐना रेडी होके आ गई है माशाल्लाह। ऐना फ्रेश भी हो गई है, ऐना ने चेंज कर लिया है और ऐना अपनी अब ग्लासेस लगाएगी। ऐना अपनी ग्लासेस लगाने लगी है ये। और लगाओ, अरे जुबान ही बाहर निकाल। ग्लासेस लगाओ, ए कैसे, आइस पे आइस पे आइस पे, ए नहीं लगानी। तो जी अभी हो चुकी हुई है शाम और हम सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये प्लान हमारा ऐसे बना कि जब हम वापस आ रहे थे ना, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपने अपना सिटीजनशिप टेस्ट पास किया है, आपको नेशनैलिटी मिली है, तो हम इसको करते हैं सेलिब्रेट। फिर मैंने ये सोचा कि हमने अकेले क्या करने जाना है, हम सब फैमिली जो है ना वो इकट्ठे चलते हैं। तो बस अभी सब रेडी हो रहे हैं, ऐना को मैंने पहले रेडी कर दिया, फिर मैं भी रेडी हुई हूँ क्योंकि मैंने अपना वर्क भी कंटिन्यू करना होता है। सिर्फ एक बहाना होता है फैमिली टाइम स्पेंड करने का। हाँ जी, ओपन है ना, ये तो बहुत मेल्ट हो गई, जल्दी जल्दी से खा लो। ये बच्चों को नए कपड़े पहना लें और बच्चे फौरन गंदे ना करें, कैसे हो सकता है। ये वाला गैराज नहीं खोलना था क्योंकि हम सब फैमिली जा रहे हैं, तो फिर हम लोग जाते होते हैं। इसको बंद करती हूँ और इस वाले को खोलती हूँ। सब गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, मैं भी बैठती हूँ। दादा दादी के साथ बैठी हुई है। ओए ना चले, लेट्स गो। चलो जी, हम लोग पहुंच चुके हैं और इस दफ़ा हम लोग जहाँ खाना खाने आए हैं वो है जूसी बकेट सी फूड, और ये मॉल जहाँ पे आते हैं उसके अंदर ये बना हुआ है। इसकी एंट्री जो है वो अंदर से भी है और बाहर से भी है। इतने बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ है। शुक्र है आज हम ये ट्राई करेंगे। मजा आ रहा है मेरे को। एना जो है वो अपना एंजॉय कर रही है यहाँ पे। उई उई एना वागी वागी पकड़ो पकड़ो, वो देखो ओ पीकबू। एना ये मॉल के अंदर से भी इस जूसी बकेट की जो है वो एंट्री है। यहाँ पे ये देखें, ये उन्होंने एक स्टैचू सा खड़ा किया हुआ है पायरेट जैसा, और यहाँ पे ये पूरा क्रैप बनाया हुआ है। रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके हैं। खाना जो है वो अच्छा था, ऐसा नहीं है कि हम दोबारा बार बार इधर ही आएंगे। अब हम कोई और रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। बस इस तरह था कि खाना अच्छा था। अब मैं ऐसे कह रही हूँ अच्छा था। अगर मैं 10 में से इसको रेट करूँ तो मैं इसको करूँगी 6 out of 10। घर आ चुकी हैं और फ्रेश हो गए हैं और यहीं पे करूँगी मैं इस वाले ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया है, जो कि पसंद आया होगा, तो आपने करना है लाइक, एक प्यास कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सब रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।